क्या बात है साहब, सुबह से पहला ग्राहक मिला है, वो कपड़े का थैली लेकर आया है। अरे हाँ, मैं तो हमेशा कपड़े का थैली साथ में ही लाता हूँ और सभी लोगों ने ऐसा ही करना चाहिए। वाह साहब, आपको तो गले लगाने का मन कर रहा है। ठीक है, मत लगाओ, खाली आप सब लोग कपड़े का थैली यूज करो, यही काफी है मेरे लिए। क्या करे साहब, हमारी भी मजबूरी है, कोई थैली लाता ही नहीं है। आइए अब हम इनसे तो कुछ सबक लें और ये प्लास्टिक रूपी समस्या को जड़ से मिटा दें। प्लास्टिक को दूषित करने वाले प्लास्टिक को ना कहें। प्लास्टिक के कारण हमारा पर्यावरण दूषित होता है और आप धरती के गुनहगार बनते हैं। क्या आप धरती का गुनहगार बनना पसंद करोगे? पसंद करोगे? बार बार प्लास्टिक इस्तेमाल करने वाला और प्रदूषण फैलाने वाला इस धरती का, इस मिट्टी का गुनहगार है। फिर आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप धरती का गुनहगार बनना चाहते हो? नहीं ना? तो आइए अब हम सब मिलकर एक शब्द लेते हैं। सबसे पहले हम अपने आप में सुधार लाएंगे और प्लास्टिक को आज से ना कहेंगे, कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे और ये बात सबको बताएंगे। हमारी जिम्मेदारी खुद हम निभाएंगे और पर्यावरण को संतुलित रखेंगे। हम सभी प्रकार के कचरे का योग्य निपटान करेंगे और सब मिलकर एक नया भारत बनाएंगे। स्वच्छ भारत।